और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अन्य बड़ी खबरों की। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज जबलपुर दौरा है। सुबह 10:30 बजे पाटन पहुंचेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। मंडलम प्रकोष्ठ स्थल की बैठक में हिस्सा लेंगे। कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पाटन में आम जनसभा को भी कमलनाथ की ओर से संबोधित किया जाएगा। दोपहर करीब 1:30 बजे छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस भी बिल्कुल तैयारी में जुट चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जबलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे कमलनाथ पाटन पहुंचेंगे। मंडलम प्रकोष्ठ स्थल की बैठक में हिस्सा लेंगे। कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। कमलनाथ ने की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कई बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हैं। इसके बाद पाटन में आम जनसभा को भी कमलनाथ की ओर से संबोधित किया जाएगा और दोपहर करीब 1:30 बजे छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ रवाना होंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जबलपुर दौरे पर रहने वाले हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, कहा जा रहा है कि आज कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है जबलपुर में आज कमलनाथ का, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 90 दिन से भी कम का समय बचा है और ऐसे में तमाम तैयारियां कांग्रेस जुटी हुई है। हालांकि कमलनाथ हम लगातार देख रहे हैं, एक लंबा समय बीत रहा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लक्ष्य 230 विधानसभा में कमलनाथ के पहुंचने का आज जबलपुर रहेंगे। जबलपुर दौरे पर लगभग 10:30 बजे पहुंचेंगे। वहां पर पाटन में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे और उसके साथ में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, वहां पर बैठक भी करेंगे कमलनाथ। तो मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक होगी। इसके साथ में प्रकोष्ठ विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कमलनाथ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, स्पष्ट मंशा है कांग्रेस की। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं इस बात को समझ चुके हैं कि जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी मनाना होगा, समझाना होगा और एकजुट करके मैदान में उतारना होगा। और यही कोशिश कमलनाथ करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आज जब कमलनाथ वहां पर जब मंडलम सेक्टर की बैठक करेंगे तो तमाम रणनीति तो तय करेंगे, लेकिन साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मैदान में उतरी हुई है और चुनावी संग्राम में ये कोशिश कर रही है कि वो 11 जो वचन है वो कम से कम जनता के बीच में जल्द से जल्द पहुंचे। हालांकि जब मंडलम सेक्टर की चर्चा जब करेंगे बैठक में तो इन 11 वचनों के साथ साथ आने वाली जो रणनीति तय करेंगे कि आखिर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं, पन्ना प्रभारी जो बनाए, पेज प्रभारी जो बनाए, उनकी किस तरीके से जो आगे की दशा दिशा और कार्य तय किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, प्रत्याशी घोषणा लगभग तय मानी जा रही है कि जल्द से जल्द कांग्रेस जो है प्रत्याशी घोषित कर सकती है, अपनी पहली सूची ला सकती है। तो पहली सूची लाने के बाद प्रत्याशियों के पक्ष में किस तरीके से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो माहौल तैयार करेंगे, वो माहौल किस तरीके से बनेगा, वो इस तमाम रणनीति बनी जाएगी। उसके साथ में देखिए, खासतौर पर देखिए, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने जनता से मिलने के साथ साथ प्रदेश सरकार के ऊपर खासा जो हमला करते हुए नजर आती है। और कमलनाथ लगातार हम देख भी रहे हैं, अलग अलग जगह पर जब हम बात करते हैं, अलग अलग जगह पर जब सभा करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि आप अटैकिंग मोड पर आना पड़ेगा। और तमाम जिस तरीके से प्रदेश सरकार को लेकर जिस तरीके से बड़े जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कौन कौन से आरोप रहेंगे, किस तरीके के आरोप रहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश को कमलनाथ तमाम की क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां के पोरसा में